स्टूडेंट्स, वी आर ऑन फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर 5 ऑफ सिविक्स. स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में रास सुंदरी और रुकिया हुसैन के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने अपने बहुत ही बिजी लाइफ में उन्होंने खुद लिखना पढ़ना सीखा था. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अनलाइक रास सुंदरी देवी एंड रुकिया हुसैन हु वर नॉट अलाउड टू लर्न टू रीड एंड राइट, लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स अटेंड स्कूल इन इंडिया टूडे. रास सुंदरी देवी और रुकैया हुसैन, जिन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी, उनकी तरह न होकर के बहुत सारी गर्ल्स इंडिया में स्कूल अटेंड करती हैं आजकल. डिस्पाइट दिस, दे कंटिन्यू टू बी मैनी गर्ल्स हु लीव स्कूल फॉर रीजन ऑफ पॉवर्टी, इन एडिक्वेट स्कूल फैसिलिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन. और इसके अलावा बहुत सारी गर्ल्स ऐसी भी हैं जिन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता है किसी न किसी वजह से, गरीबी की वजह हो सकती है, या फिर स्कूल की जो फैसिलिटीज़ पर्याप्त नहीं होती, या फिर भेदभाव की वजह से स्कूल छोड़ना पड़ता है. प्रोवाइडिंग इक्वल स्कूलिंग फैसिलिटीज़ टू चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज़ एंड क्लास बैकग्राउंड एंड पर्टिकुलरली गर्ल्स कंटिन्यू टू बी अ चैलेंज इन इंडिया. चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज़, हर वर्ग के बच्चों को और एंड क्लास बैकग्राउंड और जो उनका वर्ग है, पृष्ठभूमि है, उसको ध्यान में रखते हुए, मतलब कि किस बैकग्राउंड से बच्चा बिलोंग करता है, और ख़ासकर गर्ल्स को देखते हुए इंडिया में ये एक चैलेंज सा बन गया है कि जो सभी को समान रूप से स्कूल की जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो प्रोवाइड नहीं की जाती. मतलब कि जो अमीर वर्ग के बच्चे हैं वो अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, फुल उन्हें सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन एक दूसरी तरफ जो गरीब बच्चे होते हैं उन्हें उनका जो फैसिलिटीज़ है स्कूलिंग स्कूल लाइफ की, उनकी बहुत ही लो स्तर की होती है. तो यहाँ इंडिया में ये एक बहुत बड़ी समस्या है. स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर. भारत में आजकल लड़के और लड़कियां स्कूल अटेंड करती हैं काफ़ी संख्या में. येट एज वी विल सी देयर स्टिल रिमेन डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स. फिर भी हम देखते हैं कि लड़के और लड़कियों की शिक्षा में बहुत अंतर देखने को मिलता है. इंडिया हैज़ अ सेंसस एवरी 10 ईयर. सेंसस होता है जनगणना, भारत में जनगणना होती है हर 10 साल के बाद. विच काउंट्स द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, जिसमें पूरे देश की पॉपुलेशन को गिना जाता है. इट ऑल्सो गैदर डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल लिविंग इन इंडिया. ये एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है सेंसस के थ्रू, जिसमें कि भारत में रहने वाले लोगों के बारे में, उनके देर एज, उनकी एज, स्कूलिंग, व्हाट वर्क दे डू, कौन सा वो काम करते हैं, एंड सो ऑन, ये सब डिटेल्स लिखी जाती हैं. वी यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू मेजर मैनी थिंग्स. हम इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों को समझने में, लाइक नंबर ऑफ लिटरेट पीपल कि भारत में है ना लिटरेट, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, एंड द रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन, और औरत और आदमी में क्या अनुपात है. अकॉर्डिंग टू 1961 सेंसस, जो 1961 में एक जनगणना हुई थी, अबाउट 40% ऑफ ऑल बॉयज़ एंड मैन, लगभग 40% ऑल बॉयज़ एंड मैन, 40% बॉयज़ एंड मैन 7 ईयर ओल्ड एंड अबू वर इलिटरेट. जो 7 वर्ष से ऊपर थे ना लड़के, वो 40% शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे. दैट इज़ दे कुड एटलीस्ट राइट देयर नेम. ऐसे थे वो कि कम से कम अपना नेम तो लिख ही सकते थे. कंपेयर टू जस्ट 15% ऑफ ऑल गर्ल्स एंड वुमेन, और सिर्फ 15% लड़कियाँ या फिर औरत कह सकते हैं लिटरेट थी, पढ़ी लिखी थी, इन द मोस्ट रिसेंट सेंसस ऑफ 2011. और जो 2011 में जो जनगणना की गई, दिस फिगर हैव ग्रोन टू 82% फॉर बॉयज़ एंड मैन. तो ये जो आंकड़ा, ये जो डेटा सामने आया है कि जो लड़के कितने थे 2000 उसमें, वो जो जनगणना थी वो थी 1961 में, तो जो मैन या फिर बॉयज़ वो थे 40% लिटरेट, और 2011 में
ये डेटा कितना हो जाता है 82%, मतलब काफ़ी डिफरेंस हो जाता है, और जो गर्ल्स हैं वो 65%। दिस मीन्स दैट अ प्रोपोर्शन ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन हु आर नाउ एबल टू रीड एंड हैव एटलीस्ट सम अमाउंट ऑफ स्कूलिंग हैज़ इंक्रीज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये काफ़ी डिफरेंस देखने में मिला है कि जो लड़कियां हैं उनकी पढ़ाई में काफ़ी सुधार हुआ है, और जो स्कूलिंग अमाउंट ऑफ स्कूलिंग है वो भी इंक्रीज हुआ है। बट एज यू कैन सी द परसेंटेज ऑफ मेल ग्रुप इज स्टिल हायर देन द फीमेल ग्रुप। लेकिन हम अब भी ये बात अभी भी है कि जो मेल्स हैं ना उनकी परसेंटेज ज़्यादा है फीमेल की अपेक्षा। द गैप हैज़ नॉट गोन अवे, गैप अभी भी है, मतलब कि क्या होना चाहिए, ये जो डिफरेंस है ये जीरो होना चाहिए। अगर बॉयज़ 82% है तो गर्ल्स भी 82 होना चाहिए, लेकिन गैप तो है ना अभी भी कितने सालों के बाद भी। ये एक टेबल है जिसमें परसेंटेज दिखाई गई है गर्ल्स और बॉयज़ की, हु लीव स्कूल, जो स्कूल छोड़ देते हैं फ्रॉम डिफरेंट स्कूल ग्रुप इंक्लूडिंग शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। ये अनुसूचित जाति होती है, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति। तो ये डिफरेंट सोशल ग्रुप हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं। यहाँ पे ड्रॉप आउट रेट दिखाया गया है इसमें, जो प्राइमरी लेवल पर है बॉयज़ जो है वो 4.36% में है ये परसेंट, और गर्ल्स 3.88। तो इस तरह से ये डेटा दिया गया है अपर प्राइमरी में, तो टोटल है ना 4.13, और शेड्यूल्ड कास्ट में देखना यहाँ पे 4.46 बॉयज़ और गर्ल्स का, और शेड्यूल्ड ट्राइब में 6.93%। मतलब यहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं वो जो नॉर्मल है ना वो तो कम है, और छोड़ने वाले बच्चे स्कूल को, और शेड्यूल कास्ट ये ज़्यादा है, और शेड्यूल ट्राइब इससे भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब के बच्चे जो हैं वो स्कूल को छोड़ देते हैं प्राइमरी में ही, और अपर प्राइमरी में 4.03, और एससी वाले हैं वो है 5.51, और एसटी 8.59। ये एसटी वाले बहुत ज़्यादा जो बच्चे स्कूल को छोड़ देते हैं, और सेकेंडरी में सिर्फ 17.06, और यहाँ पे एससी 19.36 और एसटी 24.68। यहाँ भी मतलब कि एसटी में हम देख रहे हैं कि जो लड़के और लड़कियाँ हैं वो स्कूल को छोड़ देते हैं ज़्यादा संख्या में। तो यू हैव प्रोबेबली नोटिस्ड इन द अबव टेबल, ये जो ऊपर टेबल में डेटा दिया गया है ये एससी और एसटी गर्ल्स हैं जो लीव स्कूल, जो स्कूल को छोड़ देती हैं एट अ रेट दैट इज़ हायर देन द कैटेगरी ऑल गर्ल्स, जो फर्स्ट में दिया गया ना ऑल गर्ल्स की अपेक्षा जो एससी और एसटी की जो गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं वो ज़्यादा जल्दी स्कूल को छोड़ देते हैं। कि इसका मतलब ये कि दलित और जो आदिवासी बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं वो कम है स्कूल में जो रहते हैं। ये 2011 की सेंसस ऑल फाउंड दैट, जो 2011 में जो सेंसस हुई थी ना उसमें भी ये पाया गया कि जो मुस्लिम गर्ल्स हैं वो ज़्यादा स्कूल को छोड़ती हैं, और जो एससी और एसटी हैं वो सिर्फ प्राइमरी स्कूल तक ही पढ़ती हैं, और मुस्लिम गर्ल्स हैं ना वो स्कूल में सिर्फ 3 साल ही ठहर पाती हैं, और जो दूसरी कम्युनिटीज़ की गर्ल्स हैं वो स्कूल में 4 साल रह पाती हैं। देर आर सेवरल रीजन वाई चिल्ड्रन फ्रॉम दलित आदिवासी मुस्लिम कम्युनिटीज़ लीव स्कूल, जो ये दलित आदिवासी और मुस्लिम समुदाय की लड़कियाँ या बच्चे जो स्कूल छोड़ देते हैं ना इसका कोई रीजन है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री एस्पेशली इन रूरल एंड पुअर एरिया, देश के उन हिस्सों में जहाँ गांव बसे हुए हैं और जहाँ पे गरीब क्षेत्र हैं, देर में नॉट इवन बी प्रॉपर स्कूल्स, वहाँ पे प्रॉपर स्कूल्स की भी सुविधा नहीं है और टीचर भी नहीं होते हैं जो कि रेगुलर पढ़ा सकें। इफ़ आ स्कूल इज़ नॉट क्लोज टू पीपल्स होम्स, और अगर लोगों के घर के पास स्कूल नहीं है ना
और जहाँ अगर दूर है तो ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है जैसे बस वैन, तो पेरेंट्स क्या करते हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजना पसंद नहीं करते। और मैनी फैमिलीज आर टू पुअर, और कुछ लोग तो इतने गरीब होते हैं एंड अनेबल टू बियर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रन, कि अपने सभी बच्चों को वो एजुकेशन किसी भी कीमत पे वो अनेबल होते हैं पढ़ाने के लिए। बॉयज़ में गेट प्रेफरेंस इन दिस सिचुएशन, और जैसे परिवार में लड़के जैसे बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, तो क्या जो पेरेंट्स हैं वो क्या इसको प्रेफरेंस देते हैं, बॉयज़ को अपने बेटे को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि अगर बेटा पढ़ेगा, जॉब लगेगा, तो वो पैसा घर में आएगा, तो इस तरह से वो बॉयज़ को प्रेफरेंस देते हैं। मैनी चिल्ड्रन ऑल्सो लीव स्कूल बिकॉज दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाई देयर चिल्ड्रन। कुछ स्कूल भी मैनी चिल्ड्रन ऑल्सो लीव स्कूल, काफ़ी बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें उनके साथ है ना स्कूल में भेदभाव किया जाता है। जैसे कि हमने पहले एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ स्कूल में बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है टीचर्स के द्वारा भी। तो इस तरह से जैसे बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ना, कि बच्चे का मन नहीं करता स्कूल में जाने का, तो वो स्कूल छोड़ देता है। वुमेन्स मूमेंट, वुमेन एंड गर्ल्स नाउ हैव द राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल। वुमेन और लड़कियों को अब अधिकार मिला हुआ है पढ़ने का, स्कूल जाने का, और दूसरे फील्ड भी हैं जैसे कि दूसरे भी पैमाने हैं लाइक लीगल रिफॉर्म की जो कानूनी सुधार हैं, वॉयलेंस, हिंसा एंड हेल्थ और स्वास्थ्य, वेयर द सिचुएशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स हैज़ इम्प्रूव्ड, जहाँ पे जो लड़कियों की जो सिचुएशन है उसमें सुधार हुआ है, मतलब कि कानूनी रूप से सुधार हुआ है। वॉयलेंस, हिंसा होती थी घरों में, मारपीट की जाती थी गर्ल्स के साथ, उस वो भी कम हुआ है। और हेल्थ, मतलब लड़कियां बीमार हो जाती थी, बहुएं लड़कियां उनको इलाज नहीं कराते थे, तो ये भी अब चीज़ें कम हुई हैं। तो दीज चेंजेज हैव नॉट हैपन्ड ऑटोमेटिकली, ये चेंज है ना अपने आप नहीं हुआ है। वुमेन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली हैव स्ट्रगल्ड टू ब्रिंग अबाउट दीज चेंजेज। औरतों ने इंडिविजुअली का मतलब व्यक्तिगत रूप से, जैसे अकेली एक ही लड़की अकेले यानी व्यक्तिगत रूप से या फिर सामूहिक रूप से उन्होंने स्ट्रगल किया है ये चेंज लाने के लिए। दिस स्ट्रगल इज नोन एज द वुमेन्स मूमेंट, और इस चेंज को वुमेन्स मूमेंट कहा जाता है। इंडियाज वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर पार्ट ऑफ द मूमेंट। भारत की औरत, इंडिविजुअल वुमेन अकेली औरत व्यक्तिगत स्तर पर, एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन और जो औरत के जो संगठन हैं, महिलाओं के संगठन हैं, उन्होंने अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने वो एक इस आंदोलन का हिस्सा रही हैं। मैनी मैन सपोर्ट द वुमेन्स मूमेंट एज वेल, और काफ़ी आदमी भी हैं, जेंट्स भी हैं जो इस आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। द डाइवर्सिटी पैसन एंड एफर्ट ऑफ दोज इन्वॉल्व मेक्स इट अ वेरी वाइब्रेंट मोमेंट। डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैव बीन यूज्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस, काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज मतलब कि कूटनीति अपनाई गई हैं इस जागरूकता को सफल करने के लिए, फाइट डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव से लड़ने के लिए, एंड सीक जस्टिस और न्याय दिलाने के लिए। Here are some glimpses of this struggle, इस स्ट्रगल की कुछ झलक यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे ये वुमेन चेंज द वर्ल्ड। कैंपेन्स टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम दूसरी वीडियो में करेंगे, अब हम अपनी वीडियो स्टॉप करते हैं।